फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथ ही आज हम काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 12th की कट ऑफ। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिया है, 11 12th का आपने एग्जाम दिया है, किसी भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो चलिए साथी, मेरा खुद का ओपिनियन है, कई सारे साथी को ये बेकार भी लग सकता है और कई सारे साथी को ये अच्छा भी लग सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथी, आप हिस्ट्री है आपका सब्जेक्ट और आप यू आर मेल है तो 78 आप सिलेक्शन हो जाएगा, और 68 अगर आप फीमेल है तो आप श्योर सिलेक्शन के नजदीक है। ईडब्ल्यूएस में मेल आपका 68 पर और फीमेल आपकी 64 पर। इसी प्रकार बीसी की बात करें तो 70 अगर आपका मेल में है आप श्योर है, और 66 पर आपका फीमेल। इसी प्रकार ईबीसी में आपका 65 मेल और 58 फीमेल। एससी में आपका 55 मेल और 45 आपका फीमेल। एसटी में आपका 55 मेल और 45 फीमेल। इसी प्रकार मैथमेटिक्स की बात कर लो तो आप यू आर मेल है तो आपके 88 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वहीं पर आप अगर फीमेल है तो 78 पर। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको, इसमें आपका 2 ± 2 की गुंजाइश है। अगर दो नंबर ज्यादा और कम है आपके तब भी आप यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपका अगर मेल में 80 आ रहा है तो आप सेफ हैं, और इसी प्रकार फीमेल में आपका 70 होना चाहिए। बीसी में आपका 82 होना चाहिए मेल का और 72 होना चाहिए फीमेल का। ईबीसी में आपका 78 होना चाहिए मेल का और 68 होना चाहिए फीमेल का। इसी प्रकार एससी और एसटी में 67 आपका मेल और 60 आपका फीमेल। फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स में आपका 68 पर मेल और 58 पर फीमेल। ईडब्ल्यूएस में आपका 58 आपका मेल और 50 आपका फीमेल। अगर बीसी में आप है तो 60 मेल और 52 फीमेल। इसी प्रकार ईबीसी में आपका 55 मेल और 45 फीमेल। एससी एसटी 50 मेल और 40 फीमेल। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 68 पर मेल और 58 पर फीमेल, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 पर मेल और 50 पर है तो आपका फीमेल श्योर है। अगर बीसी की बात करें 60 पर आपका मेल और 52 पर आपका फीमेल। ईबीसी में 55 पर मेल और 45 पर फीमेल। एससी एसटी में 50 पर मेल और 40 पर फीमेल। वॉटनी की बात कर लें तो 68 अगर आप मेल में आ रहे हैं तो आप श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो 58 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका 58 मेल और 50 आपका फीमेल। अगर बीसी में हैं तो 60 पर मेल और 52 पर आपका फीमेल। ईबीसी में आपका 55 मेल और 45 आपका फीमेल। अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपका 50 मेल और 40 आपका फीमेल पर श्योर सिलेक्शन होने की संभावना है। साथ ही अगर आप जूलॉजी से आपने पेपर दिया, 78 आपका मेल में आ रहा है यूआर में तो आप सेफ हैं। इसी प्रकार आप फीमेल हैं तो 68 पर सेफ है। ईडब्ल्यूएस में आपका 68 मेल फीमेल 68 आपका मेल और 58 आपका फीमेल। ईडब्ल्यूएस में आपका 68 मेल और 58 फीमेल। अगर आप बीसी से हैं तो 70 पर मेल और 60 पर आपका फीमेल। ईबीसी से आप हैं तो 65 से आपका मेल और 55 आपका फीमेल। इसी प्रकार एससी एसटी में है तो 55 मेल और 45 आपका फीमेल। अगर ज्योग्राफी से आप हैं तो साथ ही आप मेल हैं, यूआर से हैं, अगर आपके 82 नंबर आ रहे हैं आप श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फीमेल में 72 पर आपका श्योर सिलेक्शन है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, 72 पर मेल और आपका 62 पर फीमेल। बीसी पर बीसी में 75 पर मेल और 65 पर फीमेल, और ईबीसी की बात करें तो 65 मेल और 55 फीमेल। एससी एसटी में 55 मेल और 45 आपका फीमेल। इसी प्रकार अगर हम हिंदी की बात करें तो अगर आपके 77 मेल में है यूआर से आप श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में आपका 67 पर श्योर सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो 67 पर आपका मेल और 65 आपका फीमेल। बीसी से है 70 पर आप मेल और 66 पर आपका फीमेल श्योर सिलेक्शन है। यही बात कर लें कि एबीसी की, तो आपका अगर 65 आ रहा है मेल में और 60 आपका फीमेल में आ रहा है तो आपके श्योर सिलेक्शन है। एससी एसटी में 60 मेल और 55 आपका फीमेल। साथ ही अगर ये आपको अच्छी लग रही है कटअप तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश, सबसे कम साथ ही इंग्लिश में, और आपकी कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में जाने वाली है, और इस बॉटनी में और उर्दू में भी काफी कंपेरेटिवली और सब्जेक्ट से कम जाने वाली है। साथी इंग्लिश की बात करें तो आप अगर 68 है मेल में सेव है और 60 पर फीमेल। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 58 मेल और 48 फीमेल। अगर बीसी है तो 60 पर मेल और 50 पर फीमेल। ईबीसी में 56 पर मेल और 48 पर फीमेल। एससी एसटी में 50 पर मेल और 45 पर फीमेल। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में यू आर मेल में आपके 70 हैं तो आप श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में 60 पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 पर मेल और 50 पर फीमेल। बीसी में आपका 65 आ रहा है तो मेल में सेफ है और 55 आ रहा है आपका फीमेल में सेफ है। इसी प्रकार ईबीसी की बात करें तो 58 आपका मेल में आ रहा है तो आप सेफ है, और 48 आपका फीमेल में आ रहा है तो सेफ है।
इसी प्रकार एससी एसटी की बात करें साथी, तो सबसे कम आपकी एससी एसटी की जाने वाली वो भी उर्दू में, अगर आपका 50 है, 50 से भी कम है साथी आपका हो जाएगा सिलेक्शन, और अगर फीमेल है तो आपका 38 भी है तब भी आपका, 36 भी है, 36, 38 या 40 के नजदीक है तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन है। तो साथी ये हमारी मैक्सिमम जो सब्जेक्ट थे उसके थी, अगर किसी सब्जेक्ट की बच गई है और आप चाहते हैं कि उसकी भी हम एनालिसिस लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसकी भी एनालिसिस लेकर आ जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें पीएच की, किसी भी कैटेगरी के पीएच है, पीएच और ओएच की आपकी 55, अगर यूआर से मेल है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, और इसी प्रकार 45 आपकी फीमेल है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, और आप कैटेगरी में 5-5 नंबर कम कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक न्यूज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।